अस्सलाम वालेकुम भाई, सर्दियों की आमद आमद है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि क्योंकि कल मुझे मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि मैं एक दूध की दुकान पे दूध लेने गया था तो एक वहाँ पे स्कूल का बच्चा आया हुआ था। उसने स्वेटर नहीं पहना हुआ था, जैकेट नहीं पहनी हुई थी, स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो ऐसे ऐसे से कांप रहा था। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, इतना कांप क्यों रहे हो, तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी? तो कह रहा है मेरे पास जैकेट नहीं है। तो मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं बोला, उसने लिया और चला गया। फिर जब वो जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि इधर आओ, तुम स्कूल नहीं गए, स्कूल के यूनिफॉर्म में तुम बाहर घूम रहे हो, बंक मार रहे तुमने? कह रहे नहीं, जो स्कूल के सर हैं ना, प्रिंसिपल हैं, जो उन्होंने मुझे भेजा है ये दूध लेने के लिए। तो ये एक अलग मसला है कि एक तो बेचारे को जैकेट नहीं है उसके पास, और दूसरा मसला ये स्कूल का प्रिंसिपल जब उसे बाहर भेज रहा है अपने काम करवाने के लिए पर्सनल, तो स्कूल में क्या पढ़ाई होती होगी पता नहीं। अच्छा खैर, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी कराची में, हम तो फिर भी चलें जैकेट पहन लेते हैं, सर्दी से हम बच जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सर्दी में इस दफ़ा कराची में अच्छी खासी सर्दी आई है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सर्दी में बेचारे लोगों के पास जैकेट पहनने के लिए नहीं है, रात को कंबल ओढ़ने के लिए नहीं है। यार कराची में अगर मैं गलत नहीं हूँ 100 रुपये में एक कंबल जैकेट मिल जाती है। यार मैंने खुद ली है, अभी जब हम लोग थर गए थे हमने खुद ली थी, उसमें नई भी ली थी हमने थोड़ी, जो पुरानी थोड़ी सी यूज़ होती है बहुत अच्छी होती है, वो 100 रुपये की एक जैकेट मिल जाती है। अगर किसी को नहीं पता, अगर किसी को ख़रीदनी है तो मुझे मैसेज कर दे, इनबॉक्स कर दे, मैं आपको बता दूंगा कहां से मिल जाएगी, मैं आपको नंबर दे दूंगा उस आदमी का, और अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो शायद आपको थोड़ा और डिस्काउंट भी दे दे वो। तो अगर आप सिर्फ़ हज़ार रुपये से अगर आप 10 जैकेट ले लें 10 लोग, और जैकेट अगर एक दफ़ा ले लें तो 2 साल आराम से चल जाती है। तो 100 रुपये में अगर एक आदमी का 2 साल का काम हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा आप मुझे डोनेशन ला के दें, आप खुद जाएं अपने आसपास देखें, जो लोग जो सर्दी से बेचारे ठिठर रहे होते हैं सर्दी में, उनको आप खामोशी से जाके चुपचाप दे दें। तो आप लोग ये कर सकते हैं विंटर्स के अंदर, ये बहुत अच्छा एक आइडिया है किसी को सर्दी से बचाने के लिए। इससे भी अच्छा आइडिया मैं आप लोगों को देता हूँ, वो ये कि आप रात को निकलें, ज़रा लेट नाइट मिड नाइट निकलें और देखें रोड पे कितने लोग होंगे जो बगैर कंबल के सो रहे होंगे, तो आप कंबल ख़रीदें, रात को चुपचाप उन पर उड़ा के चले जाएँ। इससे जब वो सुबह उठेंगे ज़ाहिर है वो सर्दी से बचेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे रोड पे आज भी जो है ना बगैर कंबल के सो रहे होंगे। मेरी अम्मी मुझे पता नहीं जब से सर्दियाँ आई हैं तीन महीने से कह रही हैं कि किसी औरत को उन्हें कंबल देना है, कंबल ले आओ। अब मैं कहाँ से लाऊँ, मैं बहुत सारे लोगों को दे चुका हूँ, अब मेरे पास नहीं है। ठीक है मैंने फाउंडेशन खोली हुई है, ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म है मेरे पास, मैं नहीं दे सकता किसी को भी, अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस कर चुका हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने आसपास, मुझे ना दें, अपने आसपास देखें जो भी लोग हैं जो सर्दी से इस वक्त बेचारे सर्दी का शिकार हैं, रोड पे निकल जाएं यार, किसी को भी कंबल ख़रीदें और चुपचाप उड़ा के चले जाएं रात में, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये एक बहुत अच्छा आइडिया है सर्दियों में करने के लिए। तो आपके आसपास जो भी सर्दी से परेशान है, जो भी सर्दी से ठिठर रहा है, उसका आप लोग ख्याल रखें। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।